23 मार्च 1931 को भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव जैसे महान क्रांतिकारियों को फांसी दी गई थी। ये तीनों भारत के लिए हीरो हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि भगत सिंह को लेकर जितना संजीदा भारत की जनता है, उतना ही पाकिस्तान की जनता भी है। भगत सिंह के लिए पाकिस्तान के लोग वहां के कट्टर पंथियों से लड़ जाते हैं। वहां के लोगों को ये एहसास है कि जितने वे भारत के हैं, उतने ही पाकिस्तान के भी। भगत सिंह का जन्म 28 सितंबर 1907 को फैसलाबाद लायलपुर वर्तमान में पाकिस्तान के गांव बंगा में हुआ था। पाकिस्तान में भगत सिंह के नाम से भगत सिंह मेमोरियल फाउंडेशन है और इसके चीफ है इम्तियाज रशीद कुरैशी। अपने एक इंटरव्यू में भगत सिंह ने कहा, भारत पाकिस्तान दोनों भगत सिंह की दोस्ती को बुनियाद बनाए। वे दोनों देशों के साझा हीरो हैं। जब उन्होंने आजादी के लिए लड़ाई लड़ी तब दोनों मुल्क एक ही थे। हम पाकिस्तान में उन्हें सर्वोच्च सम्मान दिलाने के लिए प्रयासरत हैं। शहीद दिवस के दिन न सिर्फ भारत बल्कि पाकिस्तान में भी भगत सिंह को याद किया जा रहा है। भगत सिंह की मोहब्बत में वहाँ के लोगों ने लाहौर के शादमक चौक का नाम बदल कर भगत सिंह चौक करवा लिया था। पाकिस्तान के भगत सिंह मेमोरियल फाउंडेशन ने सैंडर्स केस से भगत सिंह को बाइज्जत बरी करने के लिए लाहौर हाई कोर्ट में अपील लगाई हुई है। वह पाकिस्तान सरकार को ये निर्देश देने की मांग कर रहे हैं कि वे भगत सिंह को राष्ट्रीय सम्मान दें। हमारे और नए अपडेट्स जानने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकन ताकि कोई वीडियो मिस ना हो।